Assalamualaikum, a warm welcome back in another vlog. और vlog में आज हम बना रहे हैं मज़े मज़े की गाजर की खीर, जिसके लिए मैंने एक गाजर लेके उसको कद्दूकस कर लिया है, एक चम्मच चावल जो है उनको ग्राइंड कर लिया है और इसमें डाली है 3 इलायची और एक मैंने लिया है 1.5 लीटर ऑल पर्स. और आई एम गोना डू इज दूध मैं इसमें डालूंगी और हम दूध में एक बॉयल आने का वेट करेंगे और ट्रेडिशनल खीर जिसको कहते हैं वो हम बनाएंगे, गाजर की खीर. सो दूध में जब तक बॉयल आएगा वी हैव टू वेट, और एक बॉयल आने के बाद हम इसमें चावल और गाजर ऐड करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड जब तक बॉयल आए. वेलकम बैक. और वेलकम बैक में दूध हमारा जो है वो बॉयल पे आ चुका है और इसमें परफेक्ट बॉयल आ गया है. अब मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर, और गाजर के साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी ग्राइंड किए हुए चावल. थोड़े से दूध के साथ मैंने इनको ग्राइंड किया था और अब हमने इसको स्लो आंच पे पकाना है. इतना पकाना है कि खीर अच्छे से जो है वो गाढ़ी हो जाए. चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, क्योंकि अगर तेज़ रखेंगे तो गाजर और चावल जो है वो पकेंगे नहीं और खीर दूध जो है वो खुश्क हो जाएगा. सो स्लो आंच पे अब हम इसको पकने देंगे. ढक्कन लगा के हम इसके थोड़ा सा चावलों के स्टर होने का वेट करेंगे. स्टे ट्यून्ड. खीर में मज़े का बॉयल आना शुरू हो गया है और चावल जो है वो खीर के स्टर होना शुरू हो गए. हमें इसको हल्के हाथ से हिलाते रहना है ताकि चावल जो है हमारे वो पैन में लगना चाहे, और एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू चावलों की जो है वो आना शुरू हो गई है और गाजर भी हल्की सी सॉफ्ट होना शुरू हो गई है. बस अब हम इसके थिक होने का थोड़ा सा वेट करेंगे, प्रॉपर फॉर्म में ये आ जाए तो फिर हम इसको इसमें चीनी और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जो इन्ग्रीडियंट हमें ऐड करना है. वेलकम बैक. और वेलकम बैक में हमारे पास जो है खीर में बॉयल आना शुरू हो गया है और ऑसम जो है वो कंसिस्टेंसी वाली खीर जो है वो बन चुकी है. और अब टाइम हो गया है इसमें ऐड करने का शुगर. मैं हाफ कप शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ और शुगर ऐड करने के बाद हमने इसको सिर्फ थिक करना है. और हुसैन जो है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं वीलॉग में, तो उसको समझाने के लिए हम उसके लिए बना रहे हैं आइसक्रीम. एंड ऑसम जो है वो फ्रेगनेंस आ रही है. और अब एक लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया है जो हम इसमें शुगर डिजॉल्व होने के बाद ऐड करेंगे, विच इज़ सीक्रेट इंग्रेडिएंट टू मेक इट मोर यम्मी एंड खोए वाली. सो मैं इसमें ऐड करूंगी लास्ट इंग्रेडिएंट और इसको थिक करेंगे. स्टे ट्यून. वेलकम बैक. और वेलकम बैक में एक लास्ट इंग्रेडिएंट मेरे पास जो है वो अवेलेबल है, विच इज़ खोया. और खोया जो है वो मैंने फ्रीज किया हुआ है और वो ऑलमोस्ट 2 चम्मच के बराबर होगा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद हम वेट करेंगे खोए के डिजॉल्व होने का और खीर के थिक होने का. सो फिंगर्स क्रॉस्ड इसके गाढ़े होने तक हम वेट करते हैं और फिर आपको फाइनल खीर की लुक दिखाते हैं कि गाजर और चावल की खीर कैसी बनी है. स्टे ट्यून. वेलकम बैक. और वेलकम बैक में जो हमारी खीर है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैं इसको सर्विंग बाउल में निकालने लगी हूँ. सर्विंग बाउल में मैं इसमें कोई भी जो है वो नहीं ऐड करूँगी नट्स, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ओरिजिनल फ्लेवर को ज़्यादा पसंद किया जाता है. और ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और बाकी की जो है वो मैं बाउल में निकालूँगी और फ्राइंग ना कर. स्टे ट्यून. वेलकम बैक. और वेलकम बैक में हमारा आज का वीलॉग कंक्लूड हो चुका है. सर्विंग बाउल में खीर आ चुकी है और एक सर्विंग प्लेट में भी जूनियर सर्विंग जो है वो आ चुकी है. मैंने बहुत ही नॉर्मल कंसिस्टेंसी के अंदर जो है इसको वाइंड अप किया है. बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है. अगर आपको वीलॉग पसंद आया, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. वी आर गोना शेयर विद मोहम्मद एंड हिज फादर. थैंक यू.